और लो जी दोस्तों, ये गन आपको मैं पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ, पर ये है मतलब कैलिबर सेम, नेम मॉडल सारी सेम है, पर गन डिफरेंट है। जो पहली थी वो थोड़ी सी नई थी, ये थोड़ी सी पुरानी है। और इसके ऊपर जो आज खास लेके आया था, इसके ऊपर जो ये है ना साइट्स, इसे कहते थे पॉलीमर साइट्स, दिस एंड दैट आ गए, ये रेड वाली भी देखो। तो ये जो है मैंने बाद में लगाई है, तो इसको सेट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसे साथ ले आया था आज बाहर अपनी रेंज पे। तो मैं क्या देखता हूँ कितने के क्या कर सकता हूँ मैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता ये एक्यूरेट होगी, पर फिर भी ट्राई कर सकते हैं। पर गन आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, काफ़ी पुरानी बनी हुई है। ये इसका एमओ है, देखिए बहुत ही दमदार इसका राउंड है। 4570 इसे कहते हैं, 4570 पॉलीमर टिप। तो अपनी तरफ से मैंने इसे कर लिया सारा तैयार, सो लेट्स ट्राई गाइस कितने एक्यूरेट है। बाय द वे इसका रेट जो है अराउंड 15 to 2000 डॉलर्स, कई तो 3000 डॉलर्स तक भी जाती हैं। काफ़ी मुश्किल है नई ढूंढ ली, खासकर मार्लिन की। मार्लिन जो इसका ब्रांड है, मेड इन US, मेड इन न्यूयॉर्क, देख सकते हो। अब इसको रूगर ने एक्वायर कर लिया, यूजली मैन्युफैक्चरिंग रूगर के अंडर होती है। तो आइए जी कीप ये इसे नोट करने का तरीका सिंपल है, हाँ रख के 1 2 3। ये सेफ्टी सेफ्टी ओ पहली लोड तो कीजिए ट्राई, 50 मीटर पे हूँ, एक लोड वहाँ पे है, तो करते हैं ट्राई। अभी एक्यूरेट नहीं है, आपको कहा ना जो इसी के ऊपर काम करा, पास वाले पे देखता हूँ, एक पंपकिन पड़ा है मेरे पास, इसको देखता हूँ। काफ़ी दमदार है, बहुत ही शानदार राउट है, जस्ट लाइक ए 12 गेज शॉट गन आप कह सकते हैं, 20 गेज शॉट गन आप कह सकते हैं। लो एक और ट्राई करके देखते हैं सेम पंपकिन के ऊपर, ये छोटे वाला पंपकिन जिस पास में पड़ा है। चलो एक और, अब फिर वो टारगेट पे देखते हैं। ऑलराइट, वो टारगेट मिस, सेटिंग करनी पड़ेगी, लेजर लेके आऊँगा, सेट करके दिखाऊँगा आपको। एक और मेरे पास इस सेम गन की मैंने वीडियो पहले भी शूट की हुई है, आप देखें, वो काफ़ी एक्यूरेट थी। तो एनीवेज गाइस, बहुत ही शानदार गन है, एंड थैंक यू गैन, थैंक यू वेरी मच।